नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग स्टार्ट करेंगे हिस्ट्री ऑफ इंडियन रेलवेज़ पार्ट टू। जैसा कि हम लोगों ने लास्ट लेक्चर तक देख लिया था कि जो भी हमारा प्री हिस्ट्री था बिफोर 1853, वो सारी डिटेल्स हमने कवर कर ली थी। इस पर्टिकुलर वीडियो में हम काफ़ी चीज़ें जानेंगे रिगार्डिंग आवर फर्स्ट पैसेंजर ट्रेन ऑफ इंडियन रेलवेज़, जो कि 1853 में स्टार्ट हुई थी, दैट पैसेंजर ट्रेन, ओके। एंड कैसे धीरे धीरे ये चीज़ एक्सपांड करते चली गई। और यही नहीं, जितने भी करंट रिलेटेड टॉपिक्स हैं टिल 2020, वो सारी चीज़ें हम लोग क्या करेंगे इस पर्टिकुलर चीज़ वीडियो में देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसा कि हर जगह आप पढ़ते आए होंगे कि जो इंडियन रेलवेज़ की हिस्ट्री स्टार्ट हुई है वो 1853 से स्टार्ट हुई है। क्यों? क्योंकि उस टाइम पर फर्स्ट पैसेंजर ट्रेन हमारी चली थी। कब चली थी? ऑन 16th of April 1853। और कहाँ से कहाँ तक चली थी? बोरीबंदर स्टेशन टू थाने, लाइक बॉम्बे टू थाने। देखो, इसमें हर एक चीज़ लाइक आपके प्रीवियस ईयर में काफ़ी चीज़ें आ चुकी हैं, जो नहीं भी आया है वो फर्दर क्या होगा, आएगा, क्योंकि अभी तक पेपर सिर्फ दो बार ही हुए हैं, तो सिर्फ प्रीवियस ईयर पे डिपेंडेंट नहीं रहना है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आप यहाँ पे डिटेल्स देख सकते हो कि लाइक आपका आपका जो फर्स्ट पैसेंजर ट्रेन है वो कैसा दिखता था। एंड इसमें बहुत सारी डिटेल हैं जो कि एग्ज़ाम्स में पूछे गए हैं रिगार्डिंग फर्स्ट पैसेंजर ट्रेन। कुछ तो आप लोग यहाँ पर ऑलरेडी देख रहे होंगे, मैं यहाँ पर पॉइंटर लेकर आ जाता हूँ कि लाइक इसमें 14 बॉगीज थी, 400 पैसेंजर्स को उठाकर लेके गई थी ये, ठीक है। और कवर 21 माइल्स इन अप्रॉक्स 1 आवर, एंड 21 गन्स का सैल्यूट देकर इसको क्या किया गया था, लाइक चलाया गया था। एंड इसमें 3 लोकोमोटिव्स यूज़ किए गए थे, जिसका नाम था, एक का साहिब सिंध एंड एक का नाम था सुल्तान, ठीक है। ये सारी चीज़ें हैं। और इवन देखो, टाइमिंग वाइमिंग तो देखो एग्ज़ाम के रिलेटेड काफ़ी क्या है, इम्पॉर्टेंट नहीं है, बट स्टिल जो चीज़ें दे रखी है लाइक प्रीवियसली बुक्स में, वो चीज़ें हमें क्या करनी है, पढ़नी ज़रूरी है। पता नहीं कब क्या आ जाए इवन, क्योंकि इसका जो वेटेज है वो ऑलमोस्ट आपको भी पता है काफ़ी हाई है, तो कुछ भी पूछ सकता है। चलिए बात करते हैं। द फर्स्ट पैसेंजर ट्रेन वॉज डेडिकेटेड बाई लॉर्ड डेलहाउजी, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया दैट टाइम। जैसा कि मैंने बताया था कि देखो 1857 से पहले पहले तक जो एरा चलता था वहाँ पर लाइक गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया वहाँ पर बताते थे, जो कि बंगाल के गवर्नर होते थे, ठीक है। बाद में वो चीज़ें चेंज हो गई 1858 से, सब जो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया थे उनको वायसराय ऑफ इंडिया बोलने का लाइक फर्दर एक्ट ये सब आ गया था। वो सब भी यहाँ पर डिस्कस नहीं करेंगे, हिस्ट्री में वो सारी चीज़ें डिस्कस कर रखी हैं। तो उस समय 1848 से लेकर 1856 तक जो गवर्नर जनरल थे इंडिया के, वो कौन थे? लॉर्ड डेलहाउजी। और इन्होंने ही क्या किया था इस फर्स्ट पैसेंजर ट्रेन को लाइक चलाने के लिए, इन्होंने परमिशन दी थी। सो दैट्स व्हाई इट वाज टोटली डेडिकेटेड टू लॉर्ड डेलहाउजी, एंड दैट इज़ द रीज़न व्हाई ही वाज आल्सो नोन एज द फादर ऑफ इंडियन रेलवेज। सो ये भी काफ़ी एक बढ़िया एमसीक्यू निकल कर आता है कि फादर ऑफ इंडियन रेलवेज किन्हें बोला जाता है। सो द आंसर इज़ लॉर्ड डलहाउजी। सो ये बहुत सिंपल एक क्वेश्चन है। फर्दर बात करते हैं, इंडियाज़ फर्स्ट पैसेंजर लाइन वॉज बिल्ट एंड ऑपरेटेड बाई GIPR, ग्रेट इंडियन पेनिनसुला रेलवे। देखो एग्ज़ाम में GIPR का फुल फॉर्म इंपॉर्टेंट रहेगा, तो ये भी चीज़ ध्यान रखना। और इसको कब इनकॉर्पोरेट किया गया था? August 1, 1849 को, ठीक है। ये सारी चीज़ें लाइक विथ रिस्पेक्ट टू MCQ इंपॉर्टेंट है, और बहुत सारे जो MCQ हैं वो सारा कुछ मैंने क्वेश्चन बैंक में डाल रखा है, ठीक है। बात करते हैं GIPR की। GIPR वॉज नॉट ओनली इंडियाज, इट वॉज एशियाज फर्स्ट रेलवे। उस टाइम पर पूरे एशिया में सबसे फर्स्ट टाइम जहां रेलवे आया था वो इंडिया में ही आया था, एंड दैट टू GIPR के थ्रू आया था। GIPR वॉज अ ब्रिटिश कंपनी विच वॉज रजिस्टर्ड इन लंडन, ओके। नाउ वी विल बी डिस्कसिंग अबाउट द नेक्स्ट पॉइंट। दिस पैसेंजर ट्रेन वॉज हैविंग 14 कैरेजेस, एंड इट वॉज होल्ड बाई 3 स्टीम लोकोमोटिव्स, ओके। ये भी ध्यान रखिएगा, 3 लोकोमोटिव्स कौन से थे? स्टीम लोकोमोटिव्स थे। उनका नाम क्या था? साहिब सिंध सुल्तान। इंपॉर्टेंट है काफ़ी। फर्दर बात करते हैं, इसने बॉम्बे को कितने टाइम पर लाइक लीव किया था? एट 3:30 PM फॉर थाने, ओके, एमिड्स 21 गन सैल्यूट। ओके, हिंदी में बोलते हैं ना 21 तोपों की सलामी, सो भाई कुछ वैसा ही है, यहाँ पे तोप के जगह पे बस क्या है, गन्स है। द ट्रेन रीच्ड थाने एट 4:45 PM
पूरे 1 आवर का रन था, बट फिर भी चलो 15 मिनट्स एक्स्ट्रा लिया उसने एंड 400 पीपल को कैरी करके ओके ब्रॉड गेज के थ्रू ये गया था। अब ब्रॉड गेज का बहुत बार क्या करेगा आपसे, लाइक डायमेंशन भी पूछ लेगा कि भाई ये कितना, लाइक इसका विड्थ होता है तो 1676 mm, जिसको आप बोलोगे 5 feet 6 inches। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें भी आपको याद रखनी है, कुछ टेक्निकल चीज़ें भी पूछी जा सकती हैं। ठीक है, फर्दर बात करते हैं कि फर्स्ट ऑफ ऑल लाइक इंडिया का जो सबसे पहला रेलवे ब्रिज था वो लाइक कहाँ पर था। ठीक है, सो ये सबसे आपको बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सो ये उल्हास रिवर पे था। ठीक है, एंड उस टाइम पे 1854 में, इन मे 1854 द बॉम्बे थाने लाइन वॉज एक्सटेंडेड टू कल्याण विद द डपूरी वायाडक्ट। ओके, वायाडक्ट किसको बोलते हैं, ये देख रहे हो ना यू शेप थोड़ा सा आपको दिख रहा होगा, उसके ऊपर से आपकी देखो ट्रेन निकल रही है, सो इसको ही क्या बोलते हैं, वायाडक्ट। ठीक है, एंड डपूरी एक जगह है वहाँ पर, सो उसके थ्रू ही क्या किया गया था, इसको एक्सटेंड किया गया था। और ये कौन से रिवर पे है, उल्हास रिवर पे। इंपॉर्टेंट ये है बस कि ये रिवर का नाम पूछेगा। ठीक है, इंपॉर्टेंट ये नहीं है कि वो डपूरी वायाडक्ट है, इंपॉर्टेंट ये है कि वो उल्हास रिवर पे लाइक इंडिया का फर्स्ट रेलवे ब्रिज था। ठीक है, देन बात करते हैं 1854 के बारे में। GIPR ने अपना सबसे पहला वर्कशॉप खोला बाईकुला में। ठीक है, मुंबई में एक जगह है वहाँ पर, उस समय बॉम्बे बोलते थे, सो बॉम्बे बाईकुला में फर्स्ट वर्कशॉप इसका ओपन किया गया था। ठीक है, अब बात करते हैं हम लोग बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ जो लाइक आज तक अभी तक MCQs में नहीं आया है एंड इट इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट फॉर द अपकमिंग एग्जाम्स रिलेटेड टू द हिस्ट्री ऑफ इंडियन रेलवेज। सो इट इज़ विथ रिस्पेक्ट टू हॉर्स ड्रॉन ट्रैमवे। देखो ट्रैमवे का उस समय क्या हुआ था, मैं आपको फर्दर पिक्चर दिखाऊंगा कि ये ट्रैमवे क्या होता था। सो उस टाइम पे ट्रैमवे को लाइक बनाया गया था एंड इट वॉज हॉर्स पुल्ड। ठीक है, आगे घोड़ों को लगाकर लाइक उस ट्रैमवे को क्या किया जाता था, चलाया जाता था। ठीक है, ये सारी चीज़ें हैं। फर्दर आपको कुछ बहुत सारी और सी चीज़ें मैं आगे फर्दर आपको नेक्स्ट स्लाइड में दिखाता हूँ, अभी के लिए बस इतना समझ लो कि जो इंडिया का फर्स्ट ट्रैमवे इन लाइक आया था वो कैसा था, हॉर्स ड्रॉन था। ठीक है, ट्रैम्स इन इंडिया वेर एस्टैब्लिश्ड इन द लेट 19th century। हॉर्स ड्रॉन ट्रैम्स वेर इंट्रोड्यूस्ड इन कोलकाता इन 1873। ये पॉइंट भी इम्पॉर्टेंट है कि भाई इंडिया में फर्स्ट टाइम हॉर्स ड्रॉन ट्रैम्स कब इंट्रोड्यूस किए गए थे, सो इट वॉज इन 1873। इलेक्ट्रिक ट्रैम्स कब बिगिन हुए थे फर्स्ट टाइम, देखो एक ये हॉर्स ड्रॉन होता है और दूसरा क्या है, इलेक्ट्रिक ट्रैम्स। सो इलेक्ट्रिक ट्रैम्स फर्स्ट ऑफ ऑल कहाँ बिगिन हुए थे, मद्रास में, जो कि आज आप उसको चेन्नई भी बोल सकते हो। सो इट वॉज इन 1895। ये दोनों डेट्स आपको क्या रखनी है, याद रखनी है। वेन द सिस्टम बिगेन ऑन 7th May 1895, मद्रास ट्रैमवेज वॉज इंडियाज ओल्डेस्ट इलेक्ट्रिक ट्रैम सिस्टम। एक MCQ ये भी बनता है, ठीक है, कि भाई इंडिया का ओल्डेस्ट इलेक्ट्रिक ट्रैम सिस्टम कहाँ पर है या फिर कौन सा है, सो मद्रास ट्रैमवेज। ठीक है, एंड इट इज़ फर्स्ट इलेक्ट्रिक ट्रैम सिस्टम इन इंडिया। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें एक तरह से आपके MCQ में बन सकती हैं। एंड ट्रैम्स वेर ऑल्सो इंट्रोड्यूस्ड इन मुंबई, कानपुर एंड दिल्ली। फर्दर दे वर डिसकंटिन्यूड इन द इंडियन सिटीज बिटवीन 1933 एंड 1964 एक्सेप्ट फॉर कोलकाता। एंड आपको आज भी जानकर हैरानी होगी कि ये जो ट्रैमवे है ये आज भी कोलकाता में चलता है। ठीक है, इन 24th Feb 1973 इंडियाज फर्स्ट ट्रैमवे द हॉर्स ड्रॉन ट्रैमवे वॉज ओपन इन कैलकटा एंड रैन बिटवीन सियालदा टू आर्मेनियन घाट स्ट्रीट एंड कवर्ड द डिस्टेंस ऑफ 3.8 किलोमीटर्स। लाइक एक छोटे से लाइक एक ही एरिया में लाइक दो चीज़ों को लाइक कनेक्ट करने के लिए, दो जगहों को कनेक्ट करने के लिए उस समय ट्रैमवेज को इस्तेमाल किया जाता था। एक तरह से कुछ बस जैसा ही आप यहाँ पे देख सकते हो, ये इलेक्ट्रिक वाला है। ठीक है, यहाँ पे जैसे देखो यहाँ पे बहुत पतली पतली लाइक ये क्या होते हैं, स्टैंडर्ड गेजेस होती हैं, ये कोई ब्रॉड गेज नहीं होता है। ठीक है, आप बहुत लाइक मूवीज में देखते होगे ट्रैमवेज को। ठीक है, आज भी चलती है बहुत जगह ट्रैमवेज, सिर्फ लाइक विद इन द सिटी दो प्लेसेस को कनेक्ट करने के लिए। सो उस टाइम पर ये चलाया गया था, दैट वॉज हॉर्स ड्रिवन। ठीक है, तो ये था कितना इसका डिस्टेंस था, 3.8 किलोमीटर्स, नॉट इम्पॉर्टेंट। दिस सर्विस वॉज डिसकंटिन्यूड ऑन 20th November 1873, सेम ईयर ही इसको डिसकंटिन्यू कर दिया गया था। एंड फर्दर CTC वॉज फॉर्म्ड। अब ये CTC क्या है, इम्पॉर्टेंट, काफ़ी इंपॉर्टेंट है विथ रिस्पेक्ट टू एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, कैलकटा ट्रैमवेज कंपनी। उसके बाद क्या फॉर्म किया गया,
उस सारी चीज़ों को डिमोलिश किया गया और कैलकटा ट्रैमवेज कंपनी को फॉर्म किया गया। और ये भी कहाँ पर रजिस्टर्ड है? लंदन की ही रजिस्टर्ड कंपनी है। उस समय आपको पता होगा कि हम ब्रिटिश राज में आ चुके थे, लाइक ईस्ट इंडिया रूल से ब्रिटिश राज में आ चुके थे, बट स्टिल जितनी भी कंपनीज लाइक प्राइवेट कंपनीज ब्रिटिशर्स की थी, मोस्टली वो लंदन में ही क्या कर की जाती थी, रजिस्टर की जाती थी उस टाइम पर। ठीक है, तो ये देखो उसका लोगो है, ये आज भी आप लाइक कोलकाता जाओगे तो आपको ये सारी चीज़ें देखने को मिल सकती हैं। ठीक है, ये कोलकाता की इलेक्ट्रिक ट्रैमवे है जो आज भी चलाई जाती है अंडर द नेम ऑफ कैलकाटा ट्रैमवेज कंपनी। ओके, सो नेक्स्ट बात करते हैं मीटर गेज हॉर्स ड्रॉन ट्रैम ट्रैक्स। देखो ये मीटर गेज था, ठीक है, स्टैंडर्ड मीटर गेज जो होता है, ये चलाया गया था इन 1873। क्वेश्चन आए, सबसे पहला आपका ट्रैमवे कौन सा था? जो कोलकाता में था, ठीक है, ये ध्यान में रखना। ठीक है, कब चलाया गया? 1873। सबसे पहले पूछा जाए कि भाई इलेक्ट्रिक ट्रैम सिस्टम कहाँ स्टार्ट हुआ था? मद्रास में स्टार्ट हुआ था, चेन्नई भी ऑप्शन में हो सकता है। ठीक है, तो इंडियाज़ का ओल्डेस्ट इलेक्ट्रिक में क्या आंसर करोगे? मद्रास। ठीक है, और आप नॉर्मल हॉर्स ड्रॉन में क्या आंसर करोगे? कोलकाता इन 1873। तो इस ट्रैमवे की हिस्ट्री कब स्टार्ट हुई थी? 1873 में। ओके, होप सो ये सारी चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। बिटवीन सियालदा टू आर्मेनियन, ओके वापिस से लगता है रिपीट हो गया। डेलहाउजी स्क्वायर एंड स्ट्रैंड रोड एंड ये सब इंपॉर्टेंट नहीं है। हाँ, उस समय देखो 1857 के बाद, जैसा कि आपको मैंने बताया था, ये चीज़ें किस में चेंज हो गई थी, लाइक जो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया थे उनको क्या नाम दिया जाता था उसके बाद? वायसराय। सो उस टाइम पे जो वायसराय थे वो कौन थे? रिपन। ओके, एंड 1980 में इन्होंने इनोग्रेट किया था इन सारी चीज़ों को, लाइक मीटर गेज हॉर्स ड्रॉन। बट इन 1882 द स्टीम इंजन्स लोकोमोटिव्स वेर डिप्लॉयड एक्सपेरिमेंटली टू हॉल ट्रैम कार्स। उस समय ट्रैम लाइक जो भी ये ट्रैम कार्स थे उनको हटाने के लिए, जो हॉर्स ड्रिवन ये सब भी थे, सारी चीज़ों को हटाने के लिए स्टीम इंजन्स को क्या किया गया? डिप्लॉय किया गया। डिप्लॉय करना मतलब उसको लागू करना, उस चीज़ को लाइक डायरेक्टली एक्सपेरिमेंटली यूज़ में लेना। ठीक है, ये सारी चीज़ें थी। देखो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ऐसा कुछ दिखता था, देखो इनकॉर्पोरेटेड इन, जैसे ये इंग्लैंड का है जो भी ये इमेज है, ये भी हॉर्स ड्रिवन ट्रैमवे बोलता है इसको। ठीक है, वैसा ही कुछ है। देखो नीचे में यहाँ पे पटरी है, यहाँ पे एक हॉर्स खड़ा कर रखा है और नीचे एक बिल्कुल बस जैसा पूरा स्ट्रक्चर होता है, और सिंपली हॉर्स उसको क्या करता है? ड्राइव करता है बहुत इजीली। लाइक हॉर्स में इतना पावर होता था कि भाई एक छोटी सी बस जैसा वो क्या करता था, लाइक बहुत इजीली उसको ड्राइव कर लेता था। चलिए, बाय द एंड ऑफ 19th सेंचुरी द कंपनी ओन्ड 166 ट्रैम कार्स, 1000 हॉर्सेस, 7 स्टीम लोकोमोटिव्स एंड 19 माइल्स ऑफ ट्रैम ट्रैक्स। नॉट इम्पॉर्टेंट। हाँ, अब इम्पॉर्टेंट चीज़ आ रही है, इलेक्ट्रिफिकेशन ऑफ ट्रैमवे एंड रिकंस्ट्रक्शन ऑफ इट्स ट्रैक टू स्टैंडर्ड गेज। ठीक है, मीटर गेज से फिर किसमें इसको रिकंस्ट्रक्ट करने किया गया? स्टैंडर्ड गेज में, जिसकी जो आप यहाँ पर बता सकते हैं वो कितने का होता है? 4 फीट 8.5 इंच, जिसको ओवरऑल आप एमएम में बोल सकते हो, 1435 mm। ठीक है, ये डायमेंशन बस याद रखिएगा। ठीक है, अब बात करता हूँ कैलकटा की। हमने बात कर ली थी पहले कि भाई ठीक है, कैलकटा में फर्स्ट टाइम क्या स्टार्ट हुआ था? हॉर्स ड्रिवन ट्रैम कार्स स्टार्ट हुए थे। फर्दर हमने देखा फर्स्ट टाइम इलेक्ट्रिक कहाँ पर स्टार्ट हुए थे? मद्रास में स्टार्ट हुए थे, जो कि चेन्नई बोल सकते हो। बट कैलकटा में फर्स्ट इलेक्ट्रिक कब स्टार्ट हुआ? 1902 में। ठीक है, ये डेट भी याद आपको रखने का है, एक बार किसी आरआरबी के पेपर में ये क्वेश्चन आ रखा है। ठीक है, सो ये फर्दर भी क्या कर सकता है? रिपीट हो सकता है आपके डीएफसी एग्जामिनेशन में। सो ये कहाँ से कहाँ तक चला था? एस्पलैंडे टू किदरपोर ऑन 27th मार्च एंड ऑन 14th जून फ्रॉम, लाइक ये जो भी है सेम अप डाउन एंड डाउन अप दोनों, ये क्या है? सीन है। तो आई थिंक यहाँ तक आपको आइडिया लग गया होगा, पिक्चराइज्ड व्यू में सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। फर्दर बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स की, जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इन 1862 बीबी एंड सीआई आज भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बॉम्बे बड़ौदा एंड सेंट्रल इंडिया रेलवेज़। ठीक है, उस टाइम पर वर्ल्ड्स फर्स्ट डबल डेकर कोचेस को क्या किया गया था? इंट्रोड्यूस किया गया था, एंड वो इंडिया का ही नहीं बोल सकते हो, वो वर्ल्ड का क्या था? फर्स्ट डबल डेकर ट्रेन था।
ठीक है, यहाँ पर आप फोटो देख रहे हो उस टाइम की, लाइक बहुत मुश्किल से ये क्या मिला है, इमेज मिला है। और इसको किसने इंट्रोड्यूस किया था? बॉम्बे बड़ौदा एंड सेंट्रल इंडिया रेलवे। ठीक है, सेंट्रल इंडिया रेलवे क्यों बोला गया? देखो, फर्दर जब नेशनलाइजेशन हुआ था ना इसका, तो ये जो GIPR का जो सेक्शन था, ठीक है, ये सेंट्रल रेलवेज में क्या हो गया था, सीधा कन्वर्ट किया गया था। ठीक है, नाम चेंज किया गया था उसके बाद। बाकी सारी चीज़ें हम लोग बाद में क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो ये डेट भी याद रखने का है आपको, 1862, वर्ल्ड्स फर्स्ट डबल डेकर कोचेज एंड ट्रेन। ठीक है, ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। इंपॉर्टेंट नाम भी है, BB&CI। ठीक है, फुल फॉर्म क्या है? बॉम्बे बड़ौदा एंड सेंट्रल इंडिया रेलवेज। ठीक है, इसका कब इनकॉर्पोरेट किया गया था ये इंपॉर्टेंट नहीं है, 1855 नॉट इम्पॉर्टेंट, सिर्फ ये ईयर रिगार्डिंग फर्स्ट डबल डेकर कोचेज, ओके, एंड इस कंपनी का नाम। इन 1862 अगेन द सेम ईयर, ये क्वेश्चन भी काफी इंपॉर्टेंट है, फर्स्ट रेलवे वर्कशॉप वॉज स्टैब्लिश्ड एट जमालपुर नियर मुंगेर बिहार। ठीक है, ये चीज़ भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, मुंगेर एक जगह है बिहार में। इट ग्रेजुअली बिकम वन ऑफ द मेजर इंडस्ट्रियल यूनिट ऑफ इंडिया विथ आयरन एंड स्टील फाउंड्रीज, रोलिंग मिल्स एंड मोर। क्योंकि देखो, वर्कशॉप के लिए लाइक स्टील की काफ़ी ज़रूरत थी। ठीक है, फर्दर रोलिंग मिल्स, आप शायद आप गए होंगे कि नहीं गए होंगे, लेकिन आप अगर लाइक जो भी रेल्स होती हैं, अगर आप उनका कभी मैन्युफैक्चरिंग देखोगे तो मल्टीपल रोलिंग मिल्स से होकर उसको मैन्युफैक्चर किया जाता है। ठीक है, लाइक मेरी तो ट्रेनिंग कपूरथला से हुई थी, तो मेरा तो सब कुछ लाइक जितने भी वहाँ पर वर्कशॉप्स थे उनको तो घूमने में मुझे लाइक 5 डेज ऑलमोस्ट लग गए थे। ठीक है, बट जब आप उनका रियली में लाइक जब आप मैन्युफैक्चरिंग देखोगे तो ये सारी चीज़ें लाइक बिल्कुल क्लियर रहेगी, याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। यहाँ पर तो मैं विजुअलाइज नहीं करवा सकता हूँ, बट हाँ इतना ज़रूर बता सकता हूँ कि भाई आपको वर्कशॉप सेटअप करना है तो कुछ ऐसे जगह पे करोगे कि भाई वहाँ पर आयरन, स्टील या रोलिंग मिल्स, ये सब की सारी सुविधा लाइक बहुत ईजिली मिल जाए। ठीक है, तो उस जगह पर लाइक जैसे यहाँ पर वर्कशॉप सेटल किया गया, बाई डिफ़ॉल्ट वो क्या हो गया, एक बहुत बड़ा इंडस्ट्रियल यूनिट बन गया इंडिया का, विथ मोर आयरन एंड स्टील फाउंड्रीज, रोलिंग मिल्स एंड मोर, क्योंकि वहाँ पर अवेबिलिटी भी काफ़ी अच्छी थी इस चीज़ की। फर्दर आप यहाँ पर एक वो इमेज देख सकते हो जमालपुर रेलवे वर्कशॉप का, ये कब का है, ये 1897 का है। ठीक है, बट ये 1862 में क्या किया गया था, इसको स्टैब्लिश किया गया था। फिर बात करते हैं इन 1863 फॉर गवर्नर जनरल फर्स्ट लग्जरी कैरेजेस वेयर मेड। ठीक है, नॉट इम्पॉर्टेंट, फर्दर ये इम्पॉर्टेंट है, इन 1864 जो आपका नॉर्दर्न रीजन था इंडिया का, ये सबसे फर्स्ट रेलवे स्टेशन इसको मिला, जिसको आप दिल्ली जंक्शन बोलते थे उस टाइम पर। आज ये जंक्शन ओल्ड दिल्ली के नाम से जाना जाता है। ठीक है, जिसका आप अगर स्टेशन कोड देखोगे तो DLI, ये चांदनी चौक के पास है। आज भी आप इसको, आप मतलब कभी भी रिजर्वेशन कराओ तो आप इसको आप सर्च कर सकते हो, ओल्ड दिल्ली के नाम से होगा। ठीक है, द ओल्डेस्ट वन ऑफ द सिटी इज वो, इट वॉज मेजर स्टेशन एंड जंक्शन एंड रिमेन्स सो टिल डेट। इट वॉज फर्स्ट स्टैब्लिश्ड नियर चांदनी चौक इन 1864 व्हेन ट्रेन्स फ्रॉम हावड़ा कैलकटा स्टार्टेड ऑपरेटिंग अप टू दिल्ली। द करेंट बिल्डिंग वॉज मेड ऑपरेशनल इन 1903। जो अभी करंट ओल्ड दिल्ली की जो जंक्शन है उसका जो भी करंट बिल्डिंग है, वो 1903 में इसको ऑपरेशनल बनाया गया था। ठीक है, उस टाइम पे वैसे बिल्डिंग्स विल्डिंग्स नहीं होती थी, बट सिंपली वहाँ रेलवे ट्रैक्स बिछाकर एक नॉर्मल एक स्ट्रक्चर वहाँ पर बना देते थे कि भाई ये कौन सा स्टेशन है, ये दिल्ली जंक्शन है। ठीक है, फर्दर बात करते हैं इन द ईयर 1966, बहुत इम्पोर्टेंट अगेन, हावड़ा कालका मेल वॉज स्टार्टेड, नेम्ड एज 1D2UP मेल ट्रेन। आज भी ये इंडियन रेलवेज की हिस्ट्री की सबसे ओल्डेस्ट ट्रेन है, तो इस पे भी काफ़ी MCQs बनते हैं कि इंडियन रेलवेज की सबसे ओल्डेस्ट ट्रेन कौन सी है। सो हावड़ा कालका मेल जो आज भी रनिंग पोजिशन में है। ठीक है, इन 1872 वर्ल्ड्स फर्स्ट मीटर गेज वॉज स्टार्टेड बिटवीन दिल्ली टू रेवाड़ी। ठीक है, नॉट दैट मच इम्पॉर्टेंट, बट स्टिल मैंने यहाँ पे पॉइंट मेंशन कर दिया है। 1874 में फर्स्ट फोर्थ क्लास एकोमोडेशन, देखो आजकल तो फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास, ठीक है, ये
सब सारी चीज़ें चल गई हैं, ठीक है। उस समय फोर्थ क्लास चलता था। क्यों ऐसा बोलते थे? क्योंकि उस समय बैठने को सीट्स तक भी नहीं होती थी। वहाँ पर क्या होते थे उस टाइम पे, बेंचेस होते थे अंदर में, जो भी कोच हुआ करता था उसके अंदर बेंच हुआ करता था, ठीक है। तो अब समझ सकते हो तुम, जैसे आज स्कूल्स में, पुराने स्कूल्स में, गवर्नमेंट स्कूल्स में कैसे बेंचेस होते हैं, बिल्कुल वैसे बेंच हुआ करते थे उस टाइम पर। नेक्स्ट बात करते हैं, लास्टली इम्पॉर्टेंट है ये, इन 1877 इंडियन रेलवे कॉन्फ्रेंस एसोसिएशन वॉज इस्टेब्लिश्ड, बट ये फिजिकली एग्जिस्टेंस में कब आया? 1902। देखो अगर MCQ आए तो 1902 को ही आंसर करना, ठीक है, क्योंकि उस समय ये क्या हुआ, फिजिकली एग्जिस्टेंस में आया, इस्टेब्लिश बहुत पहले कर दिया गया था, ठीक है। बट उसके बाद कुछ इस पे लाइक वर्क ही नहीं हुआ, एंड फर्दर लाइक इसका कोई वैसा कुछ नाम था ही नहीं। बट एक्चुअली में जो इसका वर्क स्टार्ट हुआ वो 1902 में स्टार्ट हुआ। फर्दर इसको प्रॉपरली इनकॉर्पोरेट किया गया। इट वॉज फॉर्म्ड विथ अ व्यू टू ओवरकम द डिफिकल्टीज इन रिगार्ड टू डिफरेंट रूल्स एंड रेगुलेशंस एंड टू फ्रेम रूल्स रिगार्डिंग मूवमेंट ऑफ वैगन्स ऑफ वन रेलवे सिस्टम ओवर द अदर, ठीक है। क्योंकि उस टाइम तक बहुत सारे एरियाज बन गए थे, लाइक नॉर्थ का भी, ईस्ट का भी, वेस्ट का भी, इवन साउथ का भी, ठीक है। बहुत सारे कंस्टिट्यूएंसी ऑलरेडी बन गई थी। सो भाई उनके बीच जो भी रेलवे लाइंस थी उसमें प्रॉपर मूवमेंट, जो भी रूल्स एंड रेगुलेशंस थे उन सारी चीज़ को रेगुलेट करने के लिए इसको फॉर्म किया गया, IRCA। इम्पॉर्टेंट है काफ़ी, इसका फुल फॉर्म भी एग्ज़ाम्स में पूछा जाता है, IRCA, इंडियन रेलवे कॉन्फ्रेंस एसोसिएशन, ठीक है। फर्दर बात करते हैं, 1891 में फर्स्ट टाइम टॉयलेट फैसिलिटी इंट्रोड्यूस किया गया था इंडियन रेलवेज़ में, ठीक है। ये भी इम्पॉर्टेंट है काफ़ी, मतलब एक बढ़िया स्टोरी है इसके पीछे, ठीक है। आप यहाँ पे नॉर्मली पढ़ सकते हो कि भाई एक आदमी था, ठीक है, उसने थोड़ा सा, उसने जैक फ्रूट खा लिया था तो उसके पेट में थोड़ी सी स्वेलिंग हो गई थी। अब बेचारा ट्रेन से उतर के एक वो लोटा और धोती लेकर वो चल रहा था, एंड फर्दर वो जब एकदम से ट्रेन ने क्या करी उस टाइम पे, लाइक हॉर्न लगाया तो जैसे तैसे वो भागा, एंड फर्दर सब कुछ उसने एक्सपोज कर दिया अपना, एंड आसपास उसको बहुत वो कुछ बुरा फील हुआ, एंड फर्दर उसने पूरा एक लेटर लिख दिया कि भाई देखो जो भी तुम रेल चलाए हो तो बहुत बढ़िया है, लेकिन एटलीस्ट उसमें थोड़ा ये बाथरूम फैसिलिटी, टॉयलेट फैसिलिटी तो एटलीस्ट रख दिया करो। तो भाई उस समय ये इसकी हिस्ट्री स्टार्ट हुई थी, ठीक है। तो यहाँ पे देखो उसका लेटर भी आप देख सकते हो, जो कि यहाँ पे मैंने ऑलरेडी अटैच कर दिया है, ठीक है। सो उनका नाम क्या था? ओखिल चंद्रा सेन, ठीक है, हु रोट एन एंग्री लेटर टू अ रेलवे ऑफिस इन 1909 कंप्लेनिंग अबाउट देयर एब्सेंस, ठीक है। तो 1891 में वैसे एक टॉयलेट फैसिलिटी स्टार्ट हो चुकी थी, एंड फर्दर ये सारी चीज़ें बाद की भी कहानी है, आप देख सकते हो, ठीक है। चलिए, सो ये एक रीज़न था जब टॉयलेट फैसिलिटी को इंट्रोड्यूस किया गया। फर्दर 1897 की बात करते हैं, तो लाइटिंग इन पैसेंजर कोचेज वेयर इंट्रोड्यूस्ड। इवन उसके पहले लाइटिंग तक नहीं होती थी पैसेंजर कोचेज में, मतलब 1853 में जो स्टार्ट हुआ था उस समय लाइटिंग नहीं थी। फर्स्ट टाइम कब इंट्रोड्यूस हुई? 1897 में। उसके बाद 1902 में जो स्टैंडर्ड फिक्स्चर्स और जो इलेक्ट्रिक लाइटिंग का जो पूरा सिस्टम था वो फर्स्ट किसने इंट्रोड्यूस किया? जोधपुर रेलवे ने इसको इंट्रोड्यूस किया। नॉट इम्पॉर्टेंट, फिर भी मैंने मैंशन कर दिया है। मैंने पहले ही बता रखा था कि कैलकटा में फर्स्ट इलेक्ट्रिक ट्रामवे इंट्रोड्यूस किया गया था, कब? 1902 में, ठीक है। हॉर्स ड्रिवन कब हुआ था? 1873 में कैलकटा में, ठीक है। इलेक्ट्रिक कब स्टार्ट हुआ था? 1895, ओके। अब नेक्स्ट की बात करता हूँ, तो 1904 में मद्रास इलेक्ट्रिकल ट्रामवे को वापस एक कंपनी नई फॉर्म की गई थी, नॉट इम्पॉर्टेंट। एंड बॉम्बे में देखा जाए तो इलेक्ट्रिक ट्रामवे कब स्टार्ट हुआ? 1907 में। देखो ये तीनों रीजन का एटलीस्ट याद करना ज़रूरी है, मद्रास, बॉम्बे एंड कैलकटा, ठीक है। तो ये तीनों का आपको डेट याद रखना है कि भाई इलेक्ट्रिक तीनों में कब स्टार्ट हुआ, जस्ट फॉर लाइक एनी लाइक यू नो टफ पोर्शन विच कैन बी आस्क इन योर एग्जामिनेशन, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं कि भाई सबसे पहला डीजल बेस्ड इंजन कब इंट्रोड्यूस किया गया था, जिसको हम लोग इंटरनल कम्बशन लोकोमोटिव्स भी बोला जाता है, ठीक है। तो इनको फर्स्ट टाइम 1908 में इंट्रोड्यूस किया गया था, एंड फर्दर 1912 में GIPR पंजाब मेल वॉज स्टार्टेड। फेमस काफ़ी मेल है, बट स्टिल इसको मैंने यहाँ उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी मेंशन कर दिया है, ठीक है। ये उसकी कुछ पिक्चर है, आप देख सकते हो। फर्दर क्योंकि देखो उस टाइम पे लाइक बहुत सारे लोकोमोटिव्स बनने स्टार्ट हो गए थे, इलेक्ट्रिक भी थे, ठीक है, ट्रैमवेज वाले तो ऑलरेडी थे, एंड इवन अभी डीजल बेस्ड इंजन्स क्या हो गए थे, इंट्रोड्यूस होने स्टार्ट हो गए थे। तो उस टाइम पे जब वो नॉन वर्किंग कंडीशन में होते थे, लाइक जब उनकी वैसे कुछ
सिचुएशन नहीं होती थी कि भाई इनको चलना हो, तो वैसे टाइम पे उनको किसी ना किसी प्लेस पे तो रखने की ज़रूरत पड़ेगी। तो जहाँ भी नॉन वर्किंग स्टेट में उन लोकोमोटिव्स को रखा जाता है उसको बोला जाता है लोकोमोटिव शेड। ठीक है, तो भाई फर्स्ट टाइम जो लोकोमोटिव शेड बनाया गया था वो कहाँ बनाया गया था? भुसावल में बनाया गया था, एंड दैट टाइम इट वॉज एशियाज लॉन्गेस्ट लोकोमोटिव शेड। मेरा क्वेश्चन ये है कि आप अभी के हिसाब से बताइए कि अभी करेंटली सबसे बड़ा लोकोमोटिव शेड कहाँ है? देखो आज के टाइम पे देखा जाए तो दो टाइप के अपने पास लोकोमोटिव्स हैं, एक तो डीजल बेस्ड है ही सही, दूसरा है अपना इलेक्ट्रिक। तो अगर ओवरऑल की बात करें तो वडोदरा इलेक्ट्रिक लोको शेड इज़ द लार्जेस्ट लोकोमोटिव शेड ऑफ इंडियन रेलवेज। ठीक है, ओवरऑल भी बात करें तो भाई इलेक्ट्रिक वाला सबसे बड़ा है जो कि वडोदरा गुजरात में है। ठीक है, वडोदरा स्टेशन के आई थिंक साउथ पोर्शन में सिचुएटेड है। इट फॉल्स अंडर द वडोदरा रेलवे स्टेशन डिवीजन ऑफ वेस्टर्न रेलवे। ठीक है, लेकिन अगर कोई स्पेशली पूछ दे कि भाई डीजल लोको शेड सबसे बड़ा कहाँ पर है, तो गोल्डन रॉक। ठीक है, गोल्डन रॉक एक जगह है तिरुचिरापल्ली में। ठीक है, वहाँ पर ये डीजल का सबसे बड़ा क्या है? लोकोमोटिव शेड है। तो ये चीज़ भी आपको क्या करना है, ध्यान में रखने का है। ओवरऑल पूछा जाए तो भाई इलेक्ट्रिक वाला ही बड़ा है। कौन सा है? वडोदरा लोको शेड। ठीक है, और अगर स्पेसिफिकली बोला जाए कि डीजल में सबसे बड़ा कहाँ पर है, तो गोल्डन रॉक। इसका प्लेस कहाँ पर है? तिरुचिरापल्ली में। ठीक है, तो ये तो रहा अपना करंट का एक टॉपिक। 1920 की बात करूँ तो इंडिया में फर्स्ट टाइम इलेक्ट्रिकल सिग्नल लाइटिंग इंट्रोड्यूस किया गया था। लाइक पहले तो क्या था कि आपको पता है ना, एक फ्लैग लेकर उस चीज़ को लाइक सिग्नल दिया करते थे। उस टाइम पे फर्स्ट टाइम इलेक्ट्रिकल सिग्नल इंट्रोड्यूस किया गया था बॉम्बे में। ठीक है, जगह इंपॉर्टेंट नहीं है फिर भी आप देख सकते हो। फर्दर बात करते हैं कि नेशनलाइजेशन इंडियन रेलवेज़ की कब हुई? ठीक है, स्टार्ट हो गई थी 1924 से, कब तक चली? 1944 तक। इफेक्टिवली कब इसको देखा गया? 1951 में। ये सब बाद में बात करेंगे, बट अगर कोई एक रेंज पीरियड पूछ ले आपसे कि भाई नेशनलाइजेशन ऑफ रेलवेज कब हुआ था, तो 1924 से 1944। अब आपको शायद पता लग गया होगा कि 1924 तक ही हम लोग क्यों इस चीज़ को पढ़ते थे, क्योंकि 1924 से उसका नेशनलाइजेशन स्टार्ट हो गया था। ठीक है, नेशनलाइजेशन मतलब प्योरली वो अब इंडिया का एक पार्ट लाइक बनाने के लिए उस चीज़ को स्टार्ट कर दिया गया था। लाइक क्योंकि मैंने आपको पहले बताया ना, ये GIPR, EIR, ये सारी क्या थी? ये एक लाइक फॉरेन कंपनीज थी जिन्होंने इंडियन लाइक जो अपना रेलवे सिस्टम था जिसको इन्होंने ओन कर रखा था। तो भाई हमें बाहर की नहीं चाहिए, क्योंकि वो एक प्राइवेट कंपनी थी, वो सब कुछ अपने हिसाब से रेगुलेट कर रही थी। ठीक है, मैंने इकोनॉमिक्स सेक्शन में काफ़ी चीज़ें बताई है इसके बारे में। ठीक है, तो अभी यहाँ पर वही सेम कॉन्सेप्ट है कि भाई जब ये अपने हिसाब से रेगुलेट करने लग जाए तो भाई ऑफकोर्स दिक्कत तो आनी है। दैट्स वाई उस समय इसको नेशनलाइज किया गया था। इकोनॉमिक्स में जैसे मैंने पढ़ाया था ना नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक्स, उसी टाइप से यहाँ पर क्या चल रहा है, नेशनलाइजेशन ऑफ रेलवेज, जो कि अब गवर्नमेंट के अंडर में इसको लाने का है। सो उस टाइम पर इस रीजन के बाद जो आपका GIPR है और EIR है, ये दोनों किसके ओवर आ गए? स्टेट को हैंड ओवर लाइक कर दिए गए इस रीजन के बाद। ठीक है, इसके बाद तो फर्दर अपने को इंडिपेंडेंस मिली गई एंड चीज़ें फिर धीरे धीरे क्या हो गई, सुधरती चली गई। नेक्स्ट बात करते हैं, क्योंकि मैंने ऑलरेडी आपको बता रखा है कि भाई जो अपना GIPR है ये एक ब्रिटिश कंपनी थी जो कि लंदन में क्या थी, रजिस्टर्ड थी। 1928 में फर्स्ट ऑटोमेटिक कलर लाइट सिग्नल्स इंट्रोड्यूस किया गया था वही बॉम्बे में, VTN पाइकुला वहाँ पे एक जगह है। इन 1930 पावर सिग्नलिंग वॉज इंट्रोड्यूस्ड, अपर क्वाड्रेंट सेमाफोर सिग्नल्स इंट्रोड्यूस्ड। ये एक इंपॉर्टेंट टर्म है जो कि लाइक SNT वालों के लाइक आ सकता है ये क्वेश्चन। ठीक है, तो ये ध्यान में रखो, कुछ ऐसा सिस्टम आप यहाँ पे देख रहे होगे, एक ऐसा वहाँ पे सिस्टम यहाँ पर इंट्रोड्यूस किया गया था जहाँ पर ये देखो, ये होम को शो करता है, ये डिस्टेंट को शो करता है, ये ऑल क्लियर, जब ये येलो कलर का क्या है ऊपर की तरफ है तो उसको बोलते हैं ऑल क्लियर। ठीक है, अपर क्वाड्रेंट, ठीक है, ऑल क्लियर रहता था उसको ऊपर करते हैं, एक लोअर क्वाड्रेंट भी होता है, तो ऑल क्लियर के लिए वो डाउन में आता है। ठीक है, तो दोनों डिफरेंट है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज़ इज डेकन क्वीन, बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पर काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, 1930 में डेकन क्वीन स्टार्टेड इट्स जर्नी। एक ट्रेन है हॉल्ड बाय WCP-1, उस टाइम पर WCP-1 लोकोमोटिव लगाकर उसको एक जो न्यूली इलेक्ट्रिफाइड रूट था पूना का, उस पर इसको चलाया गया था।
ठीक है, आप आज की फोटो देख सकते हो डेकन क्वीन की, ठीक है, उस टाइम कुछ ऐसा दिखता था। यहाँ पर आप देख सकते हो 1930 में उस टाइम कुछ ऐसा इंजन दिखता था WCP-1 का, ठीक है। आज इंजन्स चेंज हो गए हैं, लोकोमोटिव्स आज चेंज कर दिए गए हैं, ठीक है, ये सारी चीज़ें हैं। तो डेकन क्वीन का आपको क्या करना है, नाम याद रखना है एंड इसका ये ईयर याद रखना है, दोनों इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट, 1943 में आइकॉनिक हावड़ा ब्रिज को कमीशन किया गया। देखो क्यों इसको इंडियन रेलवेज में मैंने इंट्रोड्यूस किया, क्योंकि शुरू में जब इसका जो कॉन्ट्रैक्ट दिया जाने वाला था वो रेलवेज को दिया जाने वाला था, जो भी इंजीनियर्स थे रेलवेज के उनको दिया जाने वाला था, बट फर्दर इस पे कुछ वैसा मटेरियलाइज सिचुएशन आया नहीं एंड फर्दर बहुत काफ़ी बाद में 1936 में इसका कॉन्ट्रैक्ट ब्रेथवेट बर्न एंड जोसो कंस्ट्रक्शन कंपनी को क्या कर दिया गया, दे दिया गया। यहाँ पर आप देख सकते हो आज भी BBJ कोलकाता में वैकेंसीज आती रहती हैं, ठीक है। आप चाहो तो अभी गूगल करके करके भी देख सकते हो, शायद कोई वैकेंसी होगी भी, ठीक है। फर्दर 1954 में आफ्टर इंडिपेंडेंस सबसे पहला स्लीपिंग एकोमोडेशन इंट्रोड्यूस किया गया 3 टायर कोचेज में, ठीक है, नॉट इम्पॉर्टेंट फिर भी मैंने मैंशन कर दिया है। कुछ और भी चीज़ें हैं, 1964 में फर्स्ट ताज एक्सप्रेस वॉज इंट्रोड्यूस्ड फ्रॉम न्यू दिल्ली टू आगरा टू अलाउ टूरिस्ट टू विजिट आगरा एंड रिटर्न टू न्यू दिल्ली द सेम डे। इन 1965 फास्ट फ्लाइट सर्विसेज वेर इंट्रोड्यूस्ड ऑन सेवरल रूट्स। देखो क्योंकि DFCCIL का एग्जामिनेशन चल रहा है तो फर्स्ट टाइम ये जो फ्लाइट सर्विसेज इंट्रोड्यूस की गई थी वो कब इंट्रोड्यूस की गई थी, 1965 में इंट्रोड्यूस की गई थी, ठीक है। ये देखो ताज एक्सप्रेस है, फोटो मैंने लगा दिया है, ये इंपॉर्टेंट है काफ़ी ज़्यादा। कंप्यूटराइज्ड टिकटिंग एंड रिजर्वेशन, ये फर्स्ट टाइम कब इंट्रोड्यूस किया गया था, 1986 में इंट्रोड्यूस किया गया था। कहाँ इंट्रोड्यूस किया गया था, न्यू दिल्ली में इंट्रोड्यूस किया गया था। ऐसे बहुत सारे फैक्ट्स हैं जो कि हिस्ट्री ऑफ इंडियन रेलवेज में काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो देखो मेजरली मैंने कोशिश की है कि काफ़ी कुछ यहाँ पर बताऊँ, ठीक है। फर्दर ये चीज़ भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एक सेल्फ प्रिंटिंग टिकट मशीन होता था, ठीक है, जो कि आज भी है, बट सबसे पहला सेल्फ प्रिंटिंग टिकटिंग मशीन कब स्टार्ट किया गया था, 1990 में स्टार्ट किया गया था। इन जून 2001 WDP-4 वॉज स्टार्टेड एंड 10 ऑफ देम वेयर प्रोवाइडेड बाई जनरल मोटर्स ऑपरेटिंग आउट ऑफ हुबली। इन द सेम ईयर फर्दर सेल्फ प्रिंटिंग टिकट मशीन वॉज इंट्रोड्यूस्ड इन न्यू दिल्ली, ठीक है। WDP-4 ये एक लोकोमोटिव का क्या है, एक आपका मॉडल नंबर है, और उस टाइम पे जनरल मोटर्स ये सारी कंपनीज क्या करती थी, उन लोकोमोटिव्स को बनाती थी, ठीक है। हुबली साउथ में कर्नाटका में, नॉर्थ कर्नाटका में एक ये रीजन है, ठीक है। तो उसी साल 1990 में ये सेल्फ प्रिंटिंग टिकटिंग मशीन भी इंट्रोड्यूस किया गया। इम्पॉर्टेंट है ईयर ध्यान में रखिएगा। फर्स्ट शताब्दी एक्सप्रेस कब इंट्रोड्यूस किया गया, 1988 में, ये भी डेट काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और कहाँ से कहाँ तक चली थी, न्यू दिल्ली टू झांसी, बाद में उसको भोपाल तक एक्सटेंड किया गया था, बट चली कहाँ से कहाँ तक थी, न्यू दिल्ली टू झांसी। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट MCQ बन सकता है, फर्स्ट शताब्दी एक्सप्रेस, ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। लेटर ऑन देखो उस टाइम पे शताब्दी एक्सप्रेस कैसे दिखती थी, आप देख सकते हो यहाँ पर। 1993 में फर्स्ट टाइम AC 3 टायर कोचेज को इंट्रोड्यूस किया गया था एंड अ स्लीपर क्लास सेपरेट फ्रॉम सेकेंड क्लास। सेकेंड क्लास जान रहे हो ना, नॉर्मल जिसमें वैसा रिजर्वेशन सिस्टम नहीं हुआ करता था, ठीक है। तो ये फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस किया गया था, ओके, अपार्ट फ्रॉम द सेकेंड क्लास, ठीक है, इन इंडियन रेलवेज। फर्दर मैं आपको बात करता हूँ, काफ़ी इंपॉर्टेंट इस DFCCIL एग्जामिनेशन के लिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, 1996 में फर्स्ट टाइम कॉन्सर्ट को क्या किया गया, डिप्लॉय किया गया न्यू दिल्ली मुंबई एंड चेन्नई में, ठीक है। और ये किसके थ्रू, ऑफकोर्स क्रिस के थ्रू, ठीक है, ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। हाँ एक चीज़ ध्यान में रखना है कि कॉन्सर्ट का फुल फॉर्म क्या होता है, कंट्री वाइड नेटवर्क ऑफ कंप्यूटराइज्ड इन्हांस रिजर्वेशन। आप जो देखते हो ना उस टाइम पर जो एडवांस बुकिंग सिस्टम होता है, ऑटोमेटेड बुकिंग सिस्टम होता है, ये सारी चीज़ें कौन हैंडल करता है, कॉन्सर्ट, ठीक है। तो उस टाइम पे ये सारी चीज़ें इंट्रोड्यूस की गई। फर्दर बात करते हैं कूपन वैलिडेटिंग मशीन्स, ठीक है, जितने भी आप देख सकते हो ये बहुत सारे, आज भी ये बहुत सारे स्टेशन पे क्या है लगा हुआ है। तो ये फर्स्ट टाइम मुंबई में इंट्रोड्यूस किया गया था 1998 में, कहाँ पर, छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस पे, ठीक है, CSMT आपको पता होगा, एक रेलवे स्टेशन जंक्शन है वहाँ पर, तो यहीं पर फर्स्ट टाइम ये इंट्रोड्यूस किया गया था। नेक्स्ट, 1999 में नेशन वाइड कॉन्सर्ज सिस्टम
का ऑपरेशन फाइनली स्टार्ट हुआ। सर ये कॉन्सर्ट सिस्टम क्या है, इम्पोर्टेंट फॉर एमसीक्यूज। जो देखते हो ना ये कूली सिस्टम, जितने भी आप जैसे आप मैं कैसे बताऊं, ये जितने भी टैक्सी सिस्टम होते हैं, कोचेस सिस्टम होते हैं, ठीक है, जो भी और फर्दर फैसिलिटीज़ जो आपके स्टेशंस पे प्रोवाइड की जाती हैं, इनको ही क्या बोलते हैं आप लोग, कॉन्सर्ज सिस्टम बोलते हैं। सो नेशन वाइड 1999 में ये क्या किया गया, ऑपरेट किया गया। एंड फॉर फर्स्ट टाइम इंडियन रेलवेज़ की जो वेबसाइट है वो कब ऑनलाइन हुई, 2000 में, ठीक है। फर्दर हम बात करें 2002 में ऑनलाइन ट्रेन रिजर्वेशन एंड टिकटिंग स्टार्ट किया गया ऑनलाइन, ठीक है। इसके पहले क्या था, सब कुछ ऑफलाइन था, एडवांस बुकिंग होती थी, काउंटर बुकिंग होती थी, बट ऑनलाइन कब स्टार्ट किया गया, 2002 में, ठीक है। और इंडिया आपकी जो लाइक ये सारी कुछ है, मैं आपको आगे बात सब कुछ डिस्कस करूंगा। द रेलवे बजट वॉज यूजुअली प्रेजेंटेड 2 डेज बिफोर द यूनियन बजट एवरी ईयर टिल 2016। देखो बहुत इंपॉर्टेंट है, पहले क्या था, रेलवे बजट को हमेशा 2 दिन पहले, यूनियन बजट जब भी आना होता था उसके 2 दिन पहले रेलवे बजट पेश किया जाता था टिल 2016, ठीक है। मोदी गवर्नमेंट ने क्या किया, ऑन सितंबर 21, 2016 अप्रूव कर दिया कि भाई अब रेल बजट और जो जनरल बजट है वो क्या होगा, अब एक साथ ही आएगा फ्रॉम द नेक्स्ट ईयर। सो 2017 से जो आपका यूनियन बजट है और जो रेल बजट है वो एक साथ आना स्टार्ट हुआ, और जो 92 ईयर्स ओल्ड प्रैक्टिस है वो सब कुछ क्या हुआ, लाइक उन्होंने एंड कर दिया। तो इस पर भी काफ़ी लाइक एक क्वेश्चंस बनते हैं जो कि मैं फर्दर आपको यहाँ पे काफ़ी कुछ बताऊंगा, ठीक है। क्वेश्चन बैंक में काफ़ी क्वेश्चन इस पर इंक्लूड किया है, एंड जो लेटेस्ट होता है ना लाइक एक करेंट अफेयर्स के फॉर्मेट में जो क्वेश्चंस बनते हैं वो काफ़ी बनते हैं इस पर्टिकुलर रीजन से, ठीक है। लाइक कि लास्ट टाइम जो है था रेलवे बजट सेपरेटली किन्होंने दिया था, फिर मोदी गवर्नमेंट के आने के बाद सबसे फर्स्ट लाइक रेलवे मिनिस्टर कौन थे जिन्होंने ये बजट पेश किया, अभी करेंटली कौन है, ठीक है, ये सारी चीज़ें वहाँ पर डिस्कस करेंगे, ठीक है। क्वेश्चंस ऑलरेडी फ्रेम कर चुका हूँ। ऑन 31 मार्च 2017 इंडियन रेलवेज अनाउंस दैट द कंट्रीज एंटायर रेल नेटवर्क वुड बी इलेक्ट्रीफाइड बाई 2022 और 2023 एंड बिकम अ नेट जीरो कार्बन एमिटर रेलवे बाई 2030। तो ये एक MCQ है काफ़ी इम्पॉर्टेंट कि भाई इंडिया को नेट जीरो कार्बन एमिटर रेलवे बनाने का एक जो टारगेट है वो कौन से ईयर का है। सो 2030 का क्या है टारगेट है, एंड रेल नेटवर्क को इलेक्ट्रीफाई करने का 2023 बोल सकते हो, ठीक है। आप यहाँ पे देख सकते हो काफ़ी बड़ा प्रोग्राम है एंड बहुत यूज़फुल होने वाला है इंडिया के लिए। तो इवन ये करंट का भी काफ़ी बढ़िया टॉपिक है जो आजकल काफ़ी चल रहा है। 22 मार्च 2020 को फर्स्ट टाइम नेशन वाइड लाइक इंडियन रेलवेज़ का क्या किया गया, इसको बंद किया गया। आपको पता ही होगा मोदी जी ने आके बोल दिया कि भाई कल से रेलवे बंद, ठीक है। 24 से इसको प्रॉपरली बंद कर दिया गया था, बट अनाउंस कब किया गया था, 22 मार्च को, ठीक है। ये और ऊपर से सारे कोचेज़ को क्या कर दिया गया था, एक आइसोलेशन कोचेज़ में भी कन्वर्ट कर दिया गया था। सो होप सो ये सारी चीज़ें आपको समझ में आएगी, आ गई होंगी। और नेक्स्ट लेक्चर से हम लोग क्या स्टार्ट करेंगे, इलेक्ट्रिफिकेशन और उसकी पूरी हिस्ट्री। देखो मैंने पूरे IR हिस्ट्री को, क्योंकि देखो ऑलमोस्ट अभी तक के पैटर्न में देखा गया है कि जो 24 मार्क्स का वेटेज है उसमें ऑलमोस्ट 18 to 20 मार्क्स इंडियन रेलवेज़ की हिस्ट्री से ही आता है, और जो 4 to 5 मार्क्स है वो DFCCIL की हिस्ट्री से आता है, क्योंकि DFCCIL एक न्यूली फॉर्म्ड PSU है, तो वैसा कुछ बहुत बड़ा कोई हिस्ट्री उसका नहीं है। बट फिर भी देखा जाए तो सबसे जो मेजर पोर्शन पूछेगा वो इंडियन रेलवेज़ की ही हिस्ट्री से पूछा जाएगा। सो दैट्स वाई हमें इसको कवर करना काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा, एंड ईच एंड एवरी टॉपिक विल प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन योर फाइनल सेलेक्शन, ठीक है। सो मैंने इसको 5 to 6 पार्ट्स में पूरे हिस्ट्री को क्या किया है, बाइफरगेट किया है। और एक चीज़ और मैं बता देना चाहता हूँ, बहुत सारे स्टूडेंट्स लाइक पूछ रहे थे कि सर आप इसकी PDF प्रोवाइड कर दो। देखो शायद आपको पता नहीं होगा बट ऐसे टेलीग्राम पे बहुत सारे ऐसे ग्रुप्स हैं जहाँ पर हम शेयर तो कर देते हैं बट वहाँ पर उस चीज़ का मिसयूज़ किया जाता है, ठीक है। वहाँ पर मैं आपको नहीं पता होगा, आप सर्च कर सकते हो टेलीग्राम पर, वो लोग क्या कर रहे हैं, जितने भी कोचिंग्स हैं सबका मटेरियल वो अपने चैनल पे डाल दे रहे हैं और वो खुद के चैनल का प्रमोशन कर रहे हैं कि भाई हमने एक नई बुक बनाई है आप उसको परचेज़ कर लो कुछ 78 रुपीज़ और या फिर 113 या 115 रुपीज़ में, एंड वो ले लो, और दूसरी कोचिंग का सारा नोट्स वहाँ पर डाल दिया है और अपने कोचिंग के मटेरियल को कुछ नया बोल रहे हैं वो,
ठीक है। तो अगर आपको एक नॉर्मली इसका आपको पीडीएफ चाहिए तो मैं सिंपली बोलता हूँ यार कि आप इसको यूट्यूब से ही क्या कर लो, मोबाइल से एक स्क्रीनशॉट ले लो, कैम स्कैनर से यार लाइक आप डायरेक्टली उसका पीडीएफ बना सकते हो। कुछ भी नहीं है, सिंपली 5 to 6 स्लाइड्स हैं, आप 5 to 6 स्क्रीनशॉट ले लो और उसका सिंपली क्या कर लो, पीडीएफ बना लो। होप सो आप इस चीज़ को समझ रहे होंगे, क्योंकि देखो बाद में क्या होता है ना, जितने भी बच्चे होते हैं लाइक हम लोग पढ़ा तो रहे हैं, अगर इसी चीज़ को लाइक इसका मिसयूज़ किया जाता है तो हमारे स्टूडेंट्स बाद में क्या होते हैं लाइक हमारे पास ही कंप्लेंट करते हैं कि सर ऐसा ऐसा सिचुएशन है। ठीक है, तो होप सो आप इस प्रॉब्लम को फर्दर समझेंगे। एंड दैट्स ऑल अबाउट दिस पर्टिकुलर लेक्चर। फ्रॉम द नेक्स्ट लेक्चर वी विल बी सीइंग रिगार्डिंग द इलेक्ट्रिफिकेशन एंड इट्स फर्दर एक्सपांशन। लेट्स सी।